आने वाले 19 मई 2024 को धन वैभव शुक्र समृद्धि के दाता वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। ज्ञात हो कि इस महीने में तीन बड़े ग्रह गुरु बुध और सूर्य के गोचर करने के बाद शुक्र गोचर होगा। इससे कुछ राशियों के जातकों को खूब धन लाभ के साथ धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनने जा रहे हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया है कि धन के दाता शुक्र 19 मई को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इससे इन राशियों को लाभ होगा। ज्योतिषी गणना के अनुसार धन ऐश्वर्य वैभव के जो कारक ग्रह है शुक्र, वह स्वयं की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब शुक्र स्वयं की राशि वृषभ राशि में विराजमान रहते हैं तो ऐसी स्थिति में गोचर में या जन्म कुंडली में मालव्य योग का निर्माण होता है। मई के महीने में ही सूर्य गुरु और शुक्र ये तीनों राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रही हैं। लेकिन उसके पूर्व हम शुक्र के लिए विचार करते हैं। शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है जो मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। यह पंच महापुरुष योग में से एक योग है, अति शुभ योग है, अति लाभकारी योग है, भाग्योदय करने वाला है, उन्नति देने वाला है, सफलता देने वाला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला यह जो योग है यह 19 मई से बनने जा रहा है, क्योंकि 19 मई से शुक्र जो है वह वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस बनने वाले मालव्य योग का शुभ प्रभाव किन किन राशियों के ऊपर होने जा रहा है इस पर हम विचार करते हैं। वृषभ राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि, इन तीन राशियों के जो जातक हैं इनके लिए मालव्य योग के कारण अति शुभ समय आने जा रहा है। वृषभ राशि के लिए किस्मत चमकेगी, उन्नति होगी, धन लाभ होगा, रुके हुए कार्य बनेंगे और इनके कार्यों में भी कोई बाधाएं अभी तक आ रही थी तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कन्या राशि के जातकों को धन लाभ के साथ साथ नई नौकरी के भी ऑफर आएंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक संयोग प्राप्त होगा और उनके व्यापार व्यवसाय में विस्तार की स्थिति बनेगी। तीसरी राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को नए निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। जो पुराना निवेश उन्होंने कहीं करके रखा हुआ है उस निवेश से उनको लाभ होगा, आय के साधन बनेंगे, धन लाभ होगा, व्यक्तित्व में निखार होगा और उनके व्यक्तित्व में आकर्षण जागृत होगा, आकर्षण उत्पन्न होगा जिससे वो कई व्यक्तियों को अपने कार्य के लिए, अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए आकर्षित करेंगे और मान सम्मान की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।